हेलो गाइस, नए वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। सो गाइस, जैसे कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देखा, आज हम बात करेंगे टाटा स्टारबक्स की रिसेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हां गाइस, रिसेंटली अभी जो है टाटा स्टारबक्स में बहुत सारे वैकेंसीज निकल के आया है। चार पांच ऐसे बड़े लोकेशंस है जहाँ पे ये सारे वैकेंसीज निकल के आया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कौन कौन सी लोकेशंस के लिए वैकेंसीज निकल के आया है, और गाइस यहाँ पे जो लेटेस्ट वैकेंसीज निकल के आया है उन सारे वैकेंसीज के लिए आप किस तरह से घर बैठे जॉब का आवेदन कर सकते हैं, जॉब का ओवरऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, यहाँ पे अगर आप जॉब अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन सी पोस्ट के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, उसके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करके आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो हाय गाइस, मेरा नाम है एसके दास और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह द यूनिक एम्प्लॉई। तो चलिए गाइस, जाते हैं स्क्रीन पे, दिखाते हैं आपको वैकेंसीज का डिटेल और अप्लाई करने का ए टू जेड प्रोसेस। सो गाइस, अभी हम आ गए यहाँ पे स्क्रीन पे और यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है स्टारबक्स की ऑफिशियल करियर पेज। अब गाइस यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये वाला जो करियर पेज है ना, इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप भी आ जाएंगे इस वाले ऑफिशियल करियर पेज पे। और एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, यहाँ पे अगर लिंक क्लिक नहीं हो रहा है या फिर लिंक ओपन नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक डाल दूंगा, बस आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम पे मैं क्या करूंगा, ये जो वीडियो है वीडियो के साथ साथ डायरेक्टली अप्लाई का लिंक भी दे दूंगा। तो जैसे आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएंगे, और नीचे ना स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा सर्च बाय कीवर्ड, और यहाँ पे देखिए सर्च बाय लोकेशन। इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, नीचे आपको यहाँ पे सिंपली सर्च जॉब पे क्लिक करना है। सर्च जॉब पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का जॉब का लिस्ट आ जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है, सिटी लिखा हुआ है, लोकेशन आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है। अब देखिए गाइस, मैंने ये जो सारे है ना ये रिसेंटली यहाँ पे अपडेट किया गया है, रिसेंट वैकेंसीज है, ठीक है। तो इन सारे वैकेंसीज के लिए आप बेझिझक होकर जॉब का आवेदन कर सकते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे चंडीगढ़ के लिए है, कोलकाता के लिए भी, लखनऊ के लिए भी, हैदराबाद के लिए है, लखनऊ के लिए है, सिलीगुड़ी के लिए है, बेंगलुरु के लिए है, गुवाहाटी के लिए है, यहाँ पे तमाम तरह का लोकेशंस के लिए यहाँ पे तमाम तरह का वैकेंसीज भी निकाल के आया है। अब देखिए गाइस, अलग अलग लोकेशंस के लिए आप यहाँ पे जॉब का आवेदन कर सकते हैं, ये हो गए सबसे बड़ी बात। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि आप जो है यहाँ पे एज अ फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, और एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी यहाँ पे जॉब का आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो देखिए 12th पास यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन रहता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे जॉब वैकेंसी से यहाँ पे देखिए अप्रेंटिस वगैरह हो गया, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए स्टोर मैनेजमेंट ट्रेनी हो गया या फिर अप्रेंटिस हो गया। तो यहाँ पे ये ऐसे बहुत सारे वैकेंसी से जिनके लिए अगर आपका क्वालिफिकेशन 10th है, यानी 10th के पास आपने 11th स्टार्ट किया है, तो आप इन सारे वैकेंसी के लिए यहाँ पे जॉब का आवेदन कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो देखिए 10th पास से लेके यहाँ पे ग्रेजुएशन कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज है, और यहाँ पे अलग अलग लोकेशंस के लिए भी वैकेंसीज है, और फ्रेशर और एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसीज है। अब गाइस यहाँ पे मैं एक करके दिखाऊंगा, यहाँ पे मैं एक जॉब का आवेदन करके दिखाऊंगा। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है, सारे चीज़ें सेम रहने वाली है, एज इट इज़ आपको फॉलो करना है, आप आराम से जॉब अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे अप्रेंटिस लखनऊ के लिए जॉब का आवेदन करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे अप्रेंटिस पे क्लिक करना है। सो गाइस जैसे आप यहाँ पे अपना मन पसंदीदा जॉब को सिलेक्ट करेंगे, उसको ओपन करेंगे, तो कुछ इस तरह का डिटेल आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे आपको वो पोस्ट दिखाई देगा, और यहाँ पे आपको स्टारबक्स के बारे में कुछ चीज़ें लिखा हुआ मिल जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है कंपनी के बारे में जानना, ये सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये सारे चीज़ें पढ़ लीजिएगा, इंटरव्यू में आपका ये काम आने वाला है। उसके बाद करना क्या है, नीचे आना है, यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाई देगा। जैसे कि इस जॉब के लिए अगर आपका क्वालिफिकेशन 10th है, 10th लेवल का है, और आपने अभी जो है मतलब 11th के लिए आप परस्यू कर रहे हो, और अगर आपका मिनिमम एज 16 साल भी है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक बस वैलिड आधार कार्ड होनी चाहिए। ये सारे डिटेल देखने के बाद नीचे आना है, यहाँ पे प्रोग्राम का फ्रेमवर्क आपको दिखाई देगा। इसमें क्या है कि यहाँ पे 12 महीने का आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा, और यहाँ पे आपको 9 घंटा काम करना है, साथ ही में 5 दिन आपको यहाँ पे काम करना है, और 1 घंटा आपको यहाँ पे ब्रेक मिलेगा। ऑनलाइन असेसमेंट होगा यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए ऑनलाइन असेसमेंट से लेके 3 से 11 महीने के अंदर ये सारे चीज़ें कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज एंड स्टारबक्स ब्रांडेड सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट करने के बाद सक्सेसफुली जैसे आप यहाँ पे प्रोग्राम कंप्लीट कर लेंगे तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। नीचे यहाँ पे स्कोप ऑफ ट्रेनिंग वगैरह यहाँ पे कुछ डिटेल और भी लिखा हुआ मिल जाता है। सारी चीज़ें सबसे पहले आराम से डिटेल में पढ़ लेना है भाई, समझ लेना है, ठीक है। सारी चीज़ें पहले समझो, उसके बाद ही आगे प्रोसीड करो, ठीक है। तो क्या करना है, आपको सबसे पहले डिटेल चेक करना है, उसके बाद आपको सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है।
तो मैंने आपको यहाँ पे एक डिटेल मैंने आपको दिखा दिया है, अभी मैं आपको दूसरा डिटेल दिखाता हूँ। मान लीजिए आपको यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, आपने 12th कंप्लीट किया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, और इस जॉब के लिए आपको अप्लाई नहीं करना है, कोई अदर जॉब के लिए अप्लाई करना है, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या ऑप्शन है, आपको क्या करना है, मैं आपको रिटर्न आके दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे लेटेस्ट जॉब को चूज़ कर लेना है, कौन सी लेटेस्ट वैकेंसीज अभी अवेलेबल है उसको आपको करना है सिलेक्ट, और यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। जैसे कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आप यहाँ पे स्टोर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए शिफ्ट सुपरवाइज़र के लिए जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इस जॉब को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सिमिलरली एज इट इज़ मैंने आपको जैसे पहले दिखाया है, तो इस तरह से आपको ये सारे चीज़ें दिखाई देगा, पोस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा, लोकेशन दिखाई देगा, स्टारबक्स के बारे में यहाँ से सारे चीज़ें लिखा हुआ मिल जाएंगी। नीचे आना है, यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहने वाली है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी काम आपको किस तरह से क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ये सारे चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देगा। कम्प्लीटली सारे चीज़ें डिटेल में पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद आगे बढ़ना है, नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको समरी ऑफ एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन दिखाई देगा, मिनिमम यहाँ पे 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग अ टीम इन अ रिटेल शॉप, यानी कि रिटेल सेटअप पे 1 साल का एक्सपीरियंस होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ शिफ्ट सुपरवाइजर के लिए, तो सुपरवाइजर का बेसिक काम क्या होता है, जो उनके अंडर जो है वो टीम रहेंगे, कुछ लोग काम करने वाले रहेंगे, उनको आपको देखना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है, उनका क्वेरी, उनका जो भी प्रॉब्लम वगैरह होगा वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे देखिए 12th पास डिप्लोमा रखा गया है, ठीक है, तो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, 10th के बाद आपने 12th कंप्लीट किया है, डिग्री वगैरह कंप्लीट किया है, तो ये जो है आपके लिए है। तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज हैं जिनके लिए आप जॉब का आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगर आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। आपके पास 2 ऑप्शन आएगा, एक तो लिंक्डइन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई करने का लिंक आ जाएगा। अगर आपके पास लिंक्डइन का अकाउंट है तो उसके थ्रू भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मैन्युअली करेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो अप्लाई नाउ बटन दिख रहा है आपको इस पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पे आपको सबसे पहले साइन इन करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे नए हो तो आप यहाँ पे साइन इन नहीं कर पाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना है। क्या करना है, नीचे आना है, यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना है। अभी देखिए पहला बॉक्स में ईमेल आईडी डालना है, दोबारा आपको 2 बार ईमेल आईडी डाल देना है, सेम ईमेल आईडी आपको एंटर करना है, पासवर्ड बना लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे दोबारा पासवर्ड डालना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसके बाद नोटिफिकेशन वगैरह चाहिए तो इसको क्लिक करना है, कंट्री आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आपको पढ़ लेना है, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएंगे और फॉर्म को आपका डिटेल में भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद फॉर्म में क्या है कि बेसिक डिटेल जैसे कि आपका नाम वगैरह, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट ईमेल, सारा चीज़ आपको डालना पड़ेगा। वर्क एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस का डिटेल आप डाल दीजिएगा, बेसिकली वही चीज़ होती है वहाँ पे, उसकी ज़्यादा नहीं है। फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे आप जो है किसी भी तरह का जॉब के लिए आवेदन कर पाएंगे बड़ी आसानी से। तो गाइज मैंने आपको डिटेल में सारे चीज़ें बता दिया है, स्टेप भी मैंने आपको बता दिया है कि आगे भी आप किस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे चीज़ें फॉलो करके आप बहुत ही आसानी से जॉब का आवेदन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो यहाँ पे मुझे ऑनलाइन जॉब अप्लाई नहीं करना है, ऑफलाइन अप्लाई करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो मैंने आपको यहाँ पे वैकेंसीज का डिटेल दिखाया है, लोकेशन दिखाया है, कौन सी लोकेशन के लिए वो वैकेंसी निकाल के आया है, आपको क्या करना है, डायरेक्टली उसी लोकेशन पर चले जाना है। वहाँ पे आपको स्टारबक्स का स्टोर मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके आपको जो भी वहाँ पे मैनेजर रहेंगे या फिर जो भी सीनियर रहेंगे उनसे आपको डायरेक्टली बात करना है, और आपको ये भी बोलना है कि आपके करियर पेज पे या फिर जो साइट है वहाँ पे ये वैकेंसीज के लिए अभी जो है इन्फॉर्मेशन मैंने मुझे मिला है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं उस स्पेसिफिक जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। तो इस तरह से आपको ऑफलाइन स्टोर विज़िट करना है और आपको यहाँ पर जॉब अप्लाई करना है। सो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने सारे चीज़ें डिटेल में आपको बता दिया है। अगर गाइस इस वीडियो को देखने के बाद फिर भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट होता है या फिर किसी अदर आगे प्रोसेस करने में किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर दूंगा। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, आज का ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।